नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त मौजूद है हम लोग डासना में, और डासना के उस मंदिर में जो इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। कहा यह जा रहा है कि यहां एक नाबालिग लड़के को पीटा गया, और क्यों पीटा गया, क्योंकि वो पानी पीने के लिए आया था। लेकिन असल सच्चाई क्या है, वो कुछ और निकल कर आ रही है। हम वही सच्चाई जानने के लिए यहाँ उस मंदिर में पहुँचे हैं, और उस मंदिर के महंत यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि मामला क्या है, और इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया कि अब राजनीतिक रंग भी ले लिया, आगे ये किस मोड़ पर जाएगा, सारे मामले पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या मामला हुआ था, ज़रा संक्षेप में पहले हमारे दर्शकों को आप देखिए। पहले तो हम भी कन्फ्यूज थे, हमें भी समझ में नहीं आया था कि मामला क्या हुआ है जी। लेकिन कल जब संगी नंदन यादव की जमानत हुई, तब हमें पता चला वो जो लड़का आया था वो हमारे यहाँ सतलिंगेश्वर महादेव जी पर पेशाब करने के लिए आया था। पेशाब कर रहा था वो। अच्छा। एक बुजुर्ग ने देख लिया और उन्होंने मंदिर के लोगों को आवाज़ लगाई। देखिए, ये आज ये घटना होगी तो इतने लोग हैं, वरना दोपहर में यहाँ पे केवल मंदिर के लोग रहते हैं, लोग आते नहीं हैं यहाँ दोपहर में भी। सांझ को हमारी बहन बेटियाँ घूमने आती हैं जी। तो जब ये, और ये बहुत घृणित घटना है, शिवलिंग पर पेशाब करना, ये एक बहुत ही घृणित घटना है। संगी नंदन यादव को जब पता चला तो वो भागते हुए आए और उन्होंने उसे थोड़ा सा पीट दिया। देखिए, पानी का जहाँ तक वितंडा बनाया जा रहा है, आप जैसे गेट से बाहर जाएंगे तो सड़क बीच में है, उधर नल है जी, 20 मीटर इधर नल है जी, हमने दिखाए हैं सारे नल। वो सारे नल हैं, नल बहुत हैं यहाँ पे। लेकिन वो पानी पीने मंदिर में कैसे आया, जबकि मंदिर में बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि हाँ मुसलमान का प्रवेश वर्जित है, और बाहर से अगर आप देखेंगे तो कोई नल नहीं दिखाई देगा आपको, अंदर तक बहुत दूर तक कोई नल दिखाई नहीं देता। तो यह एक गहन षड्यंत्र था। मुझे लगता है कि ये, जैसा कि अब मुझे पता चल रहा है, वो हम लोगों को चिढ़ाने के लिए आया था कि कोई उससे मारपीट करे और बाद में उसकी हत्या हो जाए और हम सबको फंसा दिया जाए। ऐसे षड्यंत्र यहाँ अक्सर होते रहते हैं, यहाँ षड्यंत्र इस तरह के होते रहते हैं। तो ये मंदिर हमेशा षड्यंत्रों का शिकार रहा है। मैं लगभग 15 साल से यहाँ महंत हूँ, और मेरे सामने यहाँ 4 बार डकैती डली है, 4 बार इस मंदिर में डकैती डली है। एक भी बार कोई केस खुला नहीं है, पुलिस केस खोलती नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का बहुत दबाव रहता है यहाँ से। हम मंदिर में आप देख रहे हो जगह जगह निर्माण कार्य चल रहा है, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सामान चुराते हैं, सामान चोरी करके ले जाते हैं, यहाँ रेकी करते हैं, और सबसे जो घृणास्पद बात है, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए आते हैं, और हमारी बहन बेटी कोई शिकार करने की चीज़ नहीं है, इसलिए हम इस मंदिर में मुसलमान को आने नहीं देना चाहते। और ये कोई ऐसी जगह सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, ये हमारा मंदिर है, ये सार्वजनिक संपत्ति नहीं, ये धर्म स्थान है। धर्म स्थान में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसको तय करने का अधिकार मुझे, यहाँ के महंत को मुझे इसका अधिकार है। जी 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 हाँ, ये बोर्ड को बड़ा विवादास्पद बनाया जा रहा है, लेकिन इस पे पहले भी हमने बात की कि हमने मस्जिदों के बाहर भी ऐसे बोर्ड देखे हैं कि यहाँ बरेल भी आ सकते हैं, या दूसरे जो उनके फिरके होते हैं, अलग अलग फिरके के लोगों को वहाँ प्रवेश प्रतिबंधित होता है। तो इस बोर्ड पर एक यहाँ के कोई स्थानीय विधायक है शायद, उन्होंने चेतावनी भी दी आपको कि इस बोर्ड को हम हटा के रहेंगे। केवल एक विधायक ने नहीं, बहुत सारे कट्टरपंथियों ने जो है अंदर ही अंदर हमें चैलेंज कर रखा है कि वो इस बोर्ड को भी हटा देंगे, और उनको कुछ लोगों ने हमसे, प्रशासनिक अधिकारी भी चाहते हैं कि बोर्ड हट जाए, पुलिस अधिकारी भी चाहते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के दबाव में है। मैंने तो उनसे पूछा है कि आपको क्या अधिकार है हमारे बोर्ड पर बात करने का, आप अपने थाने चलाओ, आप अपने ऑफिस चलाओ, आप डीएम कार्यालय चलाओ, आप एसडीएम का कार्यालय चलाओ, आप सीईओ का कार्यालय चलाओ, हम उसमें डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे ना, तो मंदिर में डिस्टर्ब करने वाले आप कौन होते हैं। लेकिन असल में क्या है कि भीड़ तंत्र है, डासने में सभी जानते हैं कि 90% वोट और 95% आबादी मुसलमानों की है, वोटिंग में वो 90% हैं और आबादी में टोटल वो 95% हैं। तो इतना बड़ी आबादी मुसलमानों की है कि पुलिस अधिकारी भी यहाँ डर कर रहते हैं मुसलमानों से। अब वो इतने डरे रहते हैं कि वो उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते। दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अब देखिए, एक मुसलमान विधायक है, केवल एक मुसलमान विधायक है इस क्षेत्र में, आसपास देखेंगे आप कोई मुसलमान विधायक नहीं, केवल एक विधायक मुसलमान है। एक मुसलमान विधायक अपने धर्म के लिए लड़ सकता है, लेकिन हिंदुओं में केवल एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे समर्थन में आए हैं, बाकी किसी ने भी हमारा समर्थन नहीं किया है। तो ये हिंदुओं की कमजोरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नंदकिशोर गुर्जर जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि आप चाहें तो उनके पास जाकर उनसे भी पूछ सकते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि वो इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक विधायक केवल नंदकिशोर गुर्जर का मामला नहीं है, ये सभी का मामला है, और सभी को इस मामले में बोलना चाहिए। अगर मुसलमान अपने मजहब वाले आतंकवादियों का, चोरों का, डकैतों का, लुटेरों का, महिलाओं को छेड़ने वालों का साथ दे सकते हैं वो,
तो हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे नेता हम जैसे लोगों का साथ क्यों नहीं दे सकते जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे मन में, जिसका कि निराकरण होना चाहिए, लेकिन निराकरण करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है बोलने वाला। अच्छा स्वामी जी, ये देख रहे हैं कि इस घटना के बाद चर्चा के केंद्र में है मंदिर, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग लगातार आपसे मिलने आ रहे हैं, समर्थन, आप कह रहे हैं कि समर्थन नहीं, लेकिन मैं उल्टी तस्वीर देख पा रहा हूँ कि समर्थन मिल रहा है आपको, दूर दूर से हमने देखा, जयपुर से लोग आए, पानीपत से लोग आ रहे हैं। तो जी देखिए, ये हमारी बहन है, हमारी बेटी जैसी है, किरण कमलेश तिवारी जी, हमारे अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी जी की पत्नी है जी, जी, जी। क्योंकि बलिदानियों की विधवा नहीं होती है, विधवा होती है हम जैसे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं उनकी, जो लोग धर्म के लिए बलिदान हो जाते हैं उनकी सदाई पत्नी रहा करती हैं, क्योंकि बलिदानियों की पत्नी कभी विधवा नहीं होती। तो अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी जी की धर्म पत्नी है, आप हमारी शिष्या हैं, लेकिन पानीपत से आई हैं, आप लखनऊ से आई, हर जगह से लोग आ रहे हैं, हमारे पंडित जी हैं विजय कौशिक जी राजस्थान से आए, और पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और क्योंकि लोगों को लगा है कि हम उनकी पीड़ा को आवाज़ दे रहे हैं। आज कहीं भी हिंदू मर जाए उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, लोग मरने के बाद मुआवजा देने के लिए कुछ लोग जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो गलत ट्रेडिशन है, लेकिन लोगों में, हिंदुओं में बस वही है, लोग मुझे जीते जी सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। शायद इन सब बच्चों को ये लग रहा है कि मैं इनकी बात बोल रहा हूँ, जो इनके मन में बात है उस बात को मैं बोल रहा हूँ आज, तो इसलिए ये सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं आजीवन इन सब का ऋणी रहूँगा, और इन बच्चों के कारण मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लड़ाई मैं आज तक लड़ रहा था, हो सकता है कि आज तक कमज़ोर हो, आगे उसे और मजबूत तरीके से मैं लड़ने का प्रयास करूँगा। कल कोई कार्यक्रम है मैंने सुना है यहाँ, क्या तैयारी? मैंने सुना आपकी यहाँ तैयारी, जुम्मे के दिन आज तक जितने भी बड़े दंगे हुए हैं वो जुम्मे की नमाज के बाद हुए हैं, दुनिया में आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा दंगे जुम्मे की नमाज के बाद होते हैं, क्योंकि वहाँ मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वो योजना बनाते हैं और जगहों को फूंक देते हैं। असलम जो विधायक है उसकी इस मंदिर से पर्सनल भी एक खुंदक है, पिछले साल उसका बेटा पीटा गया था इस मंदिर में लड़की छेड़ने के चक्कर। अच्छा, असलम विधायक का बेटा, और वो लड़की छेड़ रहा था, हमारी बहन बेटी थी, उसे छेड़ रहा था और हूल दे रहा था कि मैं असलम विधायक का बेटा हूँ। तो मंदिर में कुछ बाहर से आए हुए गुजर या यादव लोग होंगे, समाज के लोग हैं, गुजर यादव लगे हुए गाँव हैं, तो उन्हें इस बात में बड़ा क्रोध आया और उन्होंने असलम विधायक के लड़के को पीट के पुलिस को दिया, पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी और केस दबवा दिया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस तो उनके प्रभाव में हमेशा ही रहती है। आज असलम विधायक को मौका मिल गया है, और हो सकता है उसी का इस षडयंत्र की कि वो लड़का आया कैसे, जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कोई जांच नहीं कर रहा, कोई जांच कर ही नहीं रहा है, तो ये उसे मौका मिल गया है, अब इस मौके का वो फायदा उठा रहा है, वो हमें बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। उसने हमें चुनौती दी थी कि वो शुक्र को आएगा, अब पता नहीं शुक्र को आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो पागलों की भीड़ भेज सकता है। तो सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान के जी ने ये आह्वान किया है सारे हिंदूवादी संगठनों का कि वो कल यहाँ रहें, वो भी खुद यहाँ रहेंगे और भी बहुत सारे लोग रहेंगे, तो कल देखा जाएगा कि वो आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कल तय करेंगे। अच्छा अच्छा महाराज जी, एक मैं निजी तौर पर आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग तो जानते हैं आपको, लेकिन बहुत लोग हैं हमारे दर्शक शायद नहीं जानते होंगे आपको, तो मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूँ कि महाराज जी के चोले पर आप मत जाइए, ये भारत के बाहर रशिया से इन्होंने पढ़ाई की हुई है और उसके बाद इन्होंने चोला धारण किया, तो मैं वो थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप रशिया से पढ़े और ये चोला, तो क्या थोड़ी सी कहानी है, थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्यों आप? देखिए मैं यहाँ आया था मैं मेरठ शहर का रहने वाला, बुलंदशहर मेरी जन्मस्थली है, रहा मेरठ में हूँ जी। मैं गाजियाबाद शहर में इसलिए आया था कि गाजियाबाद शहर में मेरी बिरादरी के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, भारत में जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है जी। मैं यहाँ राजनीति करना चाहता था और राजनीति में मैं चाहता था थोड़ा, मेरा क्योंकि भाई विदेश में सेटल है, हम दोनों में से एक भाई को यहाँ आना था, मैं आ गया, मेरा भाई विदेश में व्यापार कर रहा था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो भाई की और मेरी बात हुई कि भाई एक आदमी राजनीति में चला जाएगा और एक आदमी जो है अपना व्यापार देखेगा जी। तो मैं जो है यहाँ राजनीति के लिए आया और मैंने आके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की जी। ठीक है, अचानक मैंने एक लव जिहाद का, एक मेरी बेटी का केस मेरे सामने आया जो बहुत दर्दनाक था, बाद में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, वो लड़की भी उसी समाज की थी जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ त्यागी, आज कोई बिरादरी की बात नहीं मेरे मन में, मैं हिंदू की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि उस मेरी बेटी ने मुझे समझाया था कि ये जो जिहाद है, वो लव जिहाद भी शब्द को नहीं मानती थी, उसने मुझे समझाया था कि ये जो जिहाद है ये हर हिंदू के घर तक पहुँचेगा और वो किसी की बेटी को नहीं छोड़ेंगे, किसी के मकान को नहीं छोड़ेंगे, वो सब कब्जा लेंगे, और उसकी इतनी बुरी कहानी है बेटा कि मैं ना याद भी नहीं करना चाहता, हालांकि वो मुझे हमेशा याद रहती है, कहानी भी याद रहती है और बच्ची भी याद रहती है, मुझे ये लगता है कि जैसे वो मेरी बेटी थी। उसके बाद मैंने जब उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त थे, जब उनने पहली बार कहानी बताई तो मुझे लगा यार आवारा वाहियात औरत है,
और ये अपने ऐप छिपाने के लिए मुझसे जो है इस तरह सिंपैथी गेन करने के लिए बातें कर रही है। ये बातें हो ही नहीं सकती। जब उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और मुझे उसकी आत्महत्या का पता चला, तो उसके बाद मैंने उसकी बातों पर सोचना शुरू किया। फिर मैंने कुरान पढ़ी। कुरान पढ़ने के बाद मुझे लगा, यार इतनी वाहियात किताब कोई कैसे हो सकती है? कोई कैसे कह सकता है कि दूसरे लोगों को कत्ल कर दो, उनको लूट लो, उनकी औरतों को गुलाम बना लो, कैसे कह सकता है? अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ने वाला व्यक्ति था तो मुझे, मैं जो किताब लेता हूँ उसे थॉरो पढ़ता हूँ। मुझे इसमें इंटरेस्ट आए या ना आए, मैं एक एक शब्द उस किताब का पढ़ता हूँ। ये मेरा अपना एक व्यसन है। मैं जिस चीज़ को जानना चाहता हूँ उसे जानता हूँ, पूरी तरह जानने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगा, यार ये बकवास किताब में, जैसे हमारी किताब धर्म की बहुत है, मैंने उस तरह उस समय तक एक भी धर्म की किताब अपनी नहीं पढ़ी थी। ना गीता पढ़ी थी, ना रामायण पढ़ी थी, पढ़ी नहीं थी। क्योंकि हमें तो हमारे पिताजी ने ये सिखाया था, भाई पढ़ो लिखो, अपना कैरियर बनाओ। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या तो ये कैरियर है, ये कैरियर ही हिंदुओं को खा गया। तो मैंने कोई अपनी धर्म की किताब पढ़ी नहीं थी। तो मुझे लगा, यार हमारे धर्म की इतनी किताबें हैं लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसी बकवास किताब पर मुसलमान भाई विश्वास नहीं करते, वो तो बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा हमारा जो है इस्तकबाल करते हैं। तो मैंने जो है अपने कुछ मुसलमान साथी, उस समय मेरे बहुत मित्र थे, उनके साथ मस्जिदों में और मदरसों में जाना शुरू किया, ताकि मैं ये जानूं कि इस्लाम की सच्चाई क्या है। तो उसके बाद मैंने जब इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया, तो मैंने ये तय किया कि भाई इससे लड़े बिना हम बच नहीं सकते, और बच नहीं सकते तो बचने की ज़रूरत नहीं है। लोग युद्ध से भागते हैं, मैं युद्ध की तरफ को भागा। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुसलमानों ने अभी तक मारा नहीं। शायद ये दिन मुझे देखना था कि एक दिन सारी दुनिया मेरी बात सुन रही है। आज पूरे देश का हिंदू दो हिस्सों में बट चुका है, एक वो जो नरसिंहानंद को कह रहे हैं कि ठीक है, और एक वो हैं जो जिहादियों के साथ हैं, जो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि ये बाबा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और जो जिहादियों के साथ हैं वो तो जिहादियों के साथ हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है और मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल इतिहास को पढ़ के इतना समझा है कि धर्म के लिए लड़ते हुए मिट जाना सबसे बड़ा कर्तव्य है व्यक्ति का, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा पारितोषिक है। इसीलिए आप इस मंदिर को देख लीजिए, कोई ऐसा काम हमने अपने यहाँ पर नहीं किया, हमारे साथ कोई विवाद नहीं। लोग बताते हैं कि हम विवादित बाबा, विवादित है ही नहीं जी। आरोप लगते हैं कि आप यहाँ हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। हथियारों की ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग तो हम नहीं देते, लेकिन हथियारों की ट्रेनिंग देने के तो बहुत सारे सिस्टम है, आर्मी के लोग हैं वो अलग। हम हथियारों की ट्रेनिंग नहीं देते, लेकिन हम जिहाद की सच्चाई बताते हैं लोगों को। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा हंसते हुए दिया गया बलिदान मेरे शेरों को जागृत करेगा। आज तो ये थोड़े से मुट्ठी भर आए हैं, कितने होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, लेकिन जिस दिन मेरा बलिदान हो जाएगा उसके बाद ये सब लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे और सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा जी। तो महाराज जी, तो ये बताइए महाराज जी कि ये आप मंदिर चलाते हैं, मठ चलाते हैं, तो क्या इसका कैसे आप मतलब इसको चलाते हैं, इतने दिनों से चला रहे, क्या कहीं से आपको मदद मिलती नहीं है? मदद कोई खास मदद नहीं जी। और अब से पहले इस मंदिर में हमने कोई ट्रस्ट भी नहीं बनाया था जी, कोई कमेटी भी नहीं बनाई थी। हमारा एक व्यक्तिगत केवल अपना अकाउंट है, हम मनी मैटर में ज्यादा नहीं पड़ते जी। हमें तो लोग जैसे आप जैसे आए, कुछ दे गए हमारे हाथ में, उसी से हमारा काम चलता रहा। कुछ लोग हमारी कुछ साल से, पिछले एक दो सालों से हमारी मदद करने लगे, पैसे भेजने लगे हमारे बैंक अकाउंट में। तो वो एक अकाउंट है हमारा, हम सबको दे देंगे। कल से शायद उसे सरकार ने फ्रीज भी कर दिया है, तो कोई बात नहीं, वो चलता रहेगा। पैसा प्रॉब्लम ना कभी थी, ना प्रॉब्लम है, ना प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है इस्लाम का जिहाद। पैसा तो देखिए, लड़ाई मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं इस लड़ाई में कोई निर्णायक काम नहीं कर सकता, मैं इस लड़ाई को बदल नहीं सकता। मुझे इतना अच्छी तरह से पता है कि मैं इस लड़ाई को जीत नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे शेर जीतेंगे। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जीत के दिखाएंगे, मैं नहीं रहूँगा। तो ये मुझे आज तो ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। जब मैं मर जाऊंगा हंसते हुए, मर नहीं जाऊंगा, बलिदान हो जाऊंगा, और मेरी गर्दन इस्लाम के जिहादी काट देंगे, उसके बाद इनके सबके घरों में मेरे फोटो मिलेंगे जी। अच्छा ये बताइए स्वामी जी, अब ये मुद्दे पे, विषय पर आते हैं, लौटते हैं, अंतिम सवाल कि अब लड़ाई का क्या, आपके जमानत तो आपने करवा दी उनकी, अब आगे क्या इस लड़ाई, अब और जिद से हम इस्लाम के जिहाद को दुनिया में बेनकाब करेंगे, और ज्यादा जिद से, और ज्यादा स्वाभिमान से, और ज्यादा जोरदार आवाज में हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लाम का जिहाद क्या है। हमारा पूरा जीवन केवल इसी काम में निकला है, हमने इसके सिवा कोई काम नहीं किया है। अब और ज्यादा जिद से हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लाम का जिहाद क्या है। जेल भेजेंगे तो जेल जाएंगे, हत्या करेंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन ये मेरी अंतिम लड़ाई नहीं है। मैं कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा तोड़ हूँ कि जमीन में गड़ गया और फिर पैदा ही नहीं होगा। मैं सनातनी हूँ, आज मेरा अंतिम संस्कार होगा, कल मुझे नया जन्म मिलेगा, मैं नए जन्म में फिर आऊँगा, फिर लड़ूंगा, और एक दिन इस गंदगी को पूरी दुनिया से साफ कर देंगे। अरे बोलो हर हर महादेव।
तो ये थे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, और इनसे हमारी बातचीत हुई, विस्तार से बातचीत हुई, इन्होंने बताया और असल सच क्या था उस घटना का, वो भी इन्होंने बताया, और आगे इनकी योजना क्या है ये भी इन्होंने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।